बेटा खिलौना ले लो बच्चों के लिए। बाबा मैं खिलौने का क्या करूंगी, घर में कोई बच्चा तो है नहीं। ले लो बेटा, किसी को दे देना, सुबह से एक भी नहीं बिका। अगर तुम दो लो तो 200 का दे दूंगा। आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। लेकिन बेटा इसका खुला कहाँ से आएगा? अरे नहीं बाबा, खुला नहीं चाहिए, आप ये रख लें और मुझे 8-10 खिलौने दे दें। अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटा, बहुत दे। तुम्हारी रिंग कहाँ है? इसमें तो नहीं है। इसे हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी, इतनी एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग थी वो। क्या हो गया आपको? आपको उसकी कीमत की पड़ी है। मेरे लिए वो रिंग बहुत खास है, आपको पता है ना, वो दादी जान ने मुझे दी थी, उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। क्या करूं, मैं बाहर देख कर आता हूँ। ये क्या? अंगूठी? बाबा आपके पास दूसरे नहीं है जो फूले बिना हो, हवा के बगैर वाले? हाँ बेटा इसमें है ना, निकाल लो। शायद खिलौने थैले से निकालते हुए उसकी उंगली से निकल गई। मुझे ये अंगूठी उस लड़की को वापस करनी होगी। कब तक उस रिंग की वजह से इसी तरह उदास बैठी रहोगी? मैडम, मैडम, क्या हुआ? आप प्लीज पहले सांस लें, फिर आराम से बताएं कि क्या बात है। मैडम, आपने मुझे पहचाना? कौन है? नहीं, सहन में नहीं है। 10-15 दिन पहले आपने मुझसे खिलौने खरीदे थे और 5,000 रुपए दिए थे। आपको कोई काम है मुझसे? नहीं मैडम, काम तो कोई नहीं था, बस आपकी एक अमानत लौटानी थी मैंने। कैसी अमानत? मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया। असल में जब आप थैले में से खिलौने निकाल रही थी ना, तो आपके हाथ से ये अंगूठी गिर गई थी थैले में।